शक्ति का वंदन करता हूँ। मंच की ओर से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ हरीश परमार भैया, रमेश जी गिरी साहब और राहुल भैया और उनकी टीम को कि उन्होंने इस लॉकडाउन के बाद में मुझे बुलाने के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। वरना हरीश भैया मैं तो मूंगफली का तेला लगाने की सोच चुका था। हाँ मैं एक मिनट भी फ्री नहीं रहता हूँ हरीश भैया, हालांकि मेरे एक मिनट भी काम नहीं है। हम जो ही यहाँ पर आए भाई साहब, वहां जो ही प्रवेश किया एक कवि को दो मालाएं पहना दी, फिर यहाँ आते एक कवि को तीन मालाएं पहना दी, फिर यहाँ पे सील दे दी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कवियों का स्वागत नहीं, कवियों को श्रद्धांजलि दी जा रही हो। बढ़िया है, बढ़िया है। इस तरह से कर दो उसको। आप लोग मुझे दिमाग नहीं थोड़ा दिल लगाकर सुनना, क्योंकि मैं कवि नहीं हूं, मैं आपातकालीन कवि हूं। मुझे दो ही स्थितियों में कवि सम्मेलनों में बुलाया जाता है, एक वहां जहां बिल्कुल भी सुनने वाले नहीं आते हैं, और एक वहां जहां हद से ज्यादा सुनने वाले आ जाए और पुलिस वालों के भगाने से भी नहीं भागे। आज आपके इस मंच पर बड़े बड़े पुरस्कारों से सम्मानित, हाँ खींच लो भैया, इन कैमरे वालों को तो कोई सुंदर आदमी दिखना चाहिए बस। बढ़िया भाई। मंच पर बड़े बड़े कवि बैठे हैं, इनमें से किसी ने एक देश की यात्रा, तो किसी ने दो देश की यात्रा, तो किसी ने तीन देश की यात्रा करी है, पर आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने इतनी कम उम्र में 16 देशों की यात्रा करने की सोच रखी है। पर कोई लेकर तो जावे भाई, अच्छा लग जाए, जहां तालियां वाले बजा दो, अभी लाफ्टर शुरू हो रहा है। बाद ये लोग मुझे विदेश ले जाना नहीं चाहते, तो मेरे अंदर भी स्वाभिमान में जाना नहीं चाहता। स्वाभिमान, वाह क्या कहने भाई। आप लोग बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, तो मुझे एक बात याद आ रही है कि अगर सुनने वाले अच्छे हो तो ये सुनाने वालों का भाग्य होता है, और सुनाने वाले अच्छे हो तो ये सुनने वालों का भाग्य होता है। लेकिन आपके प्रदेश में आकर मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ सुनने वालों का भी भाग्य है और सुनाने वालों का भी भाग्य है। वाह 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 भैया। तब मैं चार पंक्तियां पढ़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ, आप आनंद और मस्ती के साथ मुझे सुनना कि मैं मुरझाए फूलों को महकाने आया हूँ, मैं मुरझाए फूलों को महकाने आया हूँ, उदासी पर इनके मेरे तीर चलाने आया हूँ, खुद रोता हूँ चाहे कितना भी, पर आज की रात आप सबको हंसाने आया हूँ। वाह वाह, आज की रात आप सबको हंसाने आया हूँ। वैसे आप लोगों को हंसाने के लिए मंच पर देखो, देश के बड़े बड़े प्रख्यात विख्यात और कुछ कुख्यात कवि आए हुए हैं। इन कवियों में और मेरे में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये सारे कवि सर्जन के कवि हैं, अपुन विसर्जन के कवि हैं। इसलिए भी आप लोग मुझे दिल से सुनना, मैं एक भी बात वीर रस की नहीं करूंगा भाई साहब। वीर रस में क्या होता है, वीर रस का कवि आते ही इतनी खतरनाक बातें करता है, सुनने वाला बेचारा पहले जाता है। वीर रस का कवि आते ही कहता है मैं खून से कविताएं लिखता हूँ, बाबूजी मैं तो स्याही से ही लिखता हूँ। नहीं नहीं, जो चीज है ही नहीं उसका रिस्क कौन उठावे। हाँ ये अलग बात है, कभी कभी मुझे ज्यादा गुस्सा आ जाए ना, तो ज्यादा से ज्यादा मैं लाल पेन से लिख लेता हूँ। मैं पाकिस्तान वाकिस्तान की कोई बात नहीं करूंगा, ऐसे देश पर क्या बात करूं जिसका प्रधानमंत्री भारत को जंग की धमकी देता है और पाकिस्तानियों से कहता है आप लोग धमकी को सीरियसली मत लेना। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आप लोगों को टेंशन हो, क्योंकि अभी अहमदाबाद के मंच पर एक कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया, कवि मंच पर आया उसने जोर जोर से गाया नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो, एक शराबी खड़ा होकर बोला रे इस कवि को ही मिटा दो। बढ़िया है।
इसलिए मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनना, इसलिए सुनना क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट आइडियोलॉजी कवि हूं। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूं, मेरे बारहवीं कक्षा में मेरिट में आने में 60% ही कमती भाई साहब। और मैं आपको प्रमाण दूंगा मेरे आइडियोलॉजी होने के, जो जो आइडिया आपको पसंद आया आप लिखकर ले जा सकते हैं, मैं प्रमाण दे रहा हूँ मेरे आइडियोलॉजी होने के भाई साहब। अभी थोड़े दिन पहले मेरे मोहल्ले में बहुत बड़े सेठ जी की बच्ची की शादी थी हरीश भैया, तो उन्होंने मुंबई से कैटरिंग वालों को बुलवाया, एक से बढ़कर एक खाने का सामान बनवाया, लेकिन हमारे एक का नूता भिजवाया। अब पिताजी बोले मैं जिमने जाऊं, भाई बोले मैं जिमने जाऊं, बहन बोले मैं जिमने जाऊं, मैंने कहा रे लड़ो मत, आप लोग मेरा ये आइडिया अपनाओ, एक एक जाकर जिम आओ। बढ़िया बात है यार, सच बता रहा हूँ। मैं तो जब पढ़ता था ना तो विज्ञान के गुरुजी ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, एक बाल्टी के अंदर रासायनिक पदार्थ डाले और अपनी जेब से 10 का सिक्का निकाला और उसके अंदर डाला और बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों ये सिक्का सही रहेगा या गलेगा। मैंने कहा सर ये सिक्का सही रहेगा। वो बोले वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, तुम्हें कैसे पता। मैंने कहा सर अगर ये सिक्का गलता तो आपकी जेब से नहीं निकलता। वाह यार, मेरी तो पिटाई भी एक ही बार हुई है, वो भी आइडिया लगाने से हुई है भाई साहब। एक बार हिंदी के गुरुजी ने कहा सारे बच्चे हिंदी के अंदर प्रार्थना पत्र लिखो, सारे बच्चों ने एप्लीकेशन लिखा हिंदी के अंदर, सब बच्चों ने आखिरी में लिखा आपका आज्ञाकारी, वहां पर मैंने लिख दिया आपका अधिकारी। हाँ सच बता रहा हूँ प्रदीप भाई साहब, इसलिए मैं किसी आदमी को गलत सलाह नहीं देता। मैं कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूँ, आप आनंद से सुनना, मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता और मेरी सलाह आप तक पहुंचे तो मजे लेना। मैं कार्यक्रम को शुरू कर रहा हूँ भाई साहब। अभी थोड़े दिन पहले एक पड़ोसी आकर मुझसे बोला, सूरत भाई आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो, मुझे गेहूँ पिसवाने चलना है। मैंने कहा रे तू किसी और की मोटरसाइकिल ले जा। नहीं आपकी मोटरसाइकिल लेकर चलो। मैंने कहा रे तू किसी और की ले जा कि नहीं आपकी लेकर चलो। भाई साहब मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाली, उसने अपने गेहूं का कट्टा निकाला, मैं मोटरसाइकिल पर बैठा, उसने गेहूं का कट्टा रखा और मुझसे कहा सूरज जी चलाओ। मैंने कहा पहले नीचे उतर कर धक्का तो लगाओ, मजे तो अब लेना। मैं जो ही बैठा हूं बोले सूरज जी चलाओ। मैंने कहा पहले नीचे उतर कर धक्का तो लगाओ। भाई साहब उसने धक्का लगाया लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, उसने फिर जोर से धक्का लगाया गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, अंत में उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया और गाड़ी स्टार्ट, परंतु गाड़ी स्टार्ट होते ही उसकी खोपड़ी गच्चा खा गई क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते ही चक्की आ गई। धक्का लगा दे क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होते ही चक्की आ गई, चक्की आते मैंने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी बंद कर दूं। मैंने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी बंद कर दूं जब तक आपके गेहूं पिसेंगे। वो हाथ जोड़कर बोला भाई साहब लेकिन वापिस इधर से नहीं चलेंगे। सच बता रहा हूं भाई साहब, बचपन से आइडियोलॉजी हूं हर विषय के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर, सिवाय स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को छोड़कर। लग भी रहा होगा कई लोग तो मुझे देखकर ऐसे सोच रहे हैं ये कवि तो बीपीएल का कवि दिखे, कई लोग सोच रहे हैं ये तो जयपुर से पैदल ही आया दिखे। हालांकि ऐसा शरीर होने से मुझे एक फायदा है, बाकी समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऐसा होने से मुझे कोई आदमी अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए नहीं कहता क्योंकि उसको मालूम है ये धक्का लगाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले इसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाकी तो प्रदीप जी से समस्या ही समस्या है। मैं तो भगवान के दर्शन करने मंदिर में भी जाऊं तो भी समस्या, रास्ते में लोग रोक कर कहते हैं बेटा तुझे भक्ति की नहीं शक्ति की जरूरत है। अच्छा क्या समस्या है भाई साहब। और सबसे बड़ी समस्या तो दुबला पतला होने से कोई लड़की प्यार व्यार करना तो दूर की बात, राखी तक नहीं बांधती। अब वो राखी इसलिए नहीं बांधती कि ऐसे भाई के क्या राखी बांधे जिसकी रक्षा ही हमें करनी पड़े। बढ़िया बढ़िया भाई, तालियां होनी चाहिए आपकी। वाह बढ़िया, क्या भाई साहब समस्या है? समस्या मैं समझ रहा हूँ। हाँ
मैंने ये बात प्रदीप जी सर को समझाई तो इन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि सूरत अजनबी तेरी सूरत इतनी खास नहीं, तेरी तो हड्डियों पर मांस नहीं, क्या तेरे से कोई लड़कियां प्यार करे, तेरी तो जीने तक की आस नहीं। बढ़िया भाई बढ़िया। बढ़िया क्या समस्या है सर? मैं समझ रहा हूँ। हाँ। समस्या का कवि है। अभी सच बता रहा हूँ, अभी थोड़े दिन पहले मेरे गांव में भाई साहब शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए। शोले दोबारा बनी? हाँ, शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए तो मैंने भी जोश जोश में ऑडिशन दिया। ऑडिशन देते फिल्म वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए तो जोश जोश में मैंने भी ऑडिशन दिया। फिल्म वालों ने मुझे धर्मेंद्र के रोल के लिए लिया। भगवान कसम, गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। बढ़िया भाई। बढ़िया क्या समस्या है सर? बढ़िया है, बढ़िया समस्या। गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। फिर गब्बर सिंह ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर मुझसे कहा, बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो समस्या मेरी है, मजे आप ले रहे हो। बढ़िया यार। भगवान कसम, गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, कपड़े टांगने वाले हैंगर पे लटका दिया। फिर गब्बर सिंह ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाकर मुझसे कहा, बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो भाई साहब मैं तो उसकी तेज आवाज से डर गया, तो मैंने भी ऐसा ही कहा, बसंती मेरी बहना, बसंती मेरी बहना मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो बसंती नाटक करने लग गई, बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे लगा है। अरे भाई वाह 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 वाह, एक बार तालियां जोर की, डीजे लगा है। बढ़िया क्या समस्या है भैया? हाँ, कई लोग मुझे कहते हैं आप फौज के अंदर जाओ, राजस्थान पुलिस में जाओ। मैंने कहा रे आपका दिमाग खराब हो गया, राजस्थान पुलिस में मेरा कहाँ से नंबर आएगा? वो बोला रे तेरा नंबर तो नहीं आएगा, लेकिन तू एग्जाम देने जाएगा तो तुझे देखकर दूसरे बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। भाई ये भी आया। हाँ, सबसे बड़ी समस्या तो ये कि स्कूल में पढ़ाने गया भैया, पढ़ाने गया, पहला ही दिन था, पहला ही बच्चा था। मैंने कहा रामधन खड़ा हो, बता बेटा ये धरती क्यों घूमती है? छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। भाई वाह 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 वाह। नहीं समस्या है सर? मेरा दिमाग तो तब खराब हो गया जब अभी 20 दिन पहले मेरी साइकिल चोरी हुई, मैं थाने में गया। व्यंग सौंप रहा हूँ आनंद और मस्ती के साथ, सुनना सर। अभी 20 दिन पहले मेरी साइकिल चोरी हुई, मैं थाने में गया। मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल चोरी हो गई, FIR दर्ज करो। इतना सुनते ही थानेदार ने कहा, अच्छा तेरी साइकिल के कितने टायर थे? अब मैं आप लोगों को विकलांग दिखाई दे रहा हूँ क्या? फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल के 10 टायर थे। इतना सुनते ही थानेदार ने कहा, अच्छा कानून से मजाक करता है, सही सही बता नहीं तो अंदर कर दिया जाएगा। मैंने कहा रे 2 टायर लिखा दूंगा तो तू कौन सा ढूंढ लाएगा? व्यंग यार। अच्छा क्या समस्या है सर? जी समझ लिया हूं मैं। मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब एक पड़ोसी ने आकर कहा, सूरत भाई क्या हाल चाल, आपकी पंचायत के राशन कार्ड में उम्र 40 साल। मैंने कहा रे अंकल इस उम्र ने मुझे भी कई दिनों तक शर्मिंदा तो रखा, पर धन्यवाद पंचायत का जो मुझे राशन कार्ड में कम से कम जिंदा तो रखा। वाह वाह, ये सब समय का परिवर्तन है। अभी हम आ रहे थे तो ये कमल जी सर मेरे को बोले, सूरत आजकल की लड़कियां गुलाब होती है, हम तो गुआर पाटे के पौधे हैं। वारे गुआर पाटे? नहीं पाटे क्या समस्या है प्रदीप जी सर? सबसे बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेरे 6 बहने हैं और हम 2 भाई हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे माँ बाप को राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला। नहीं नहीं मेरी बात को समझो आप,
मेरे छह बहनें हम दो भाई हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे माँ बाप को राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों मुझे गर्व है मेरे माँ बाप पर कि इस कन्या भूरण दौर में आज भी मेरी छह की छह बहनें जिंदा हैं। ये कह रहे थे भी ये बिना की पैड का मोबाइल है, ये है। मैं आपको बताऊं, मैं मोबाइल वोबाइल नहीं हूँ भाई साहब, मैं तो मोबाइल के लेमिनेशन करने की थैली हूँ। ये बढ़िया बढ़िया तुम्हारी थैली बढ़िया, क्या समस्या है सर? बढ़िया समस्या थैली की। ये लड़कियों के लिए बोल रहे थे ऐसे वैसे। मैं आपको बताऊं भाई साहब, देश के 90% कवियों ने लिखा बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तब मैंने एक कविता लिखी बेटा बचाओ। और बेटा कैसे बचाओ, आप कविता शुरू कर रहा हूँ, मजे के साथ सुनना और आनंद लेना। मैं धन्य हो गया आप लोगों के बीच में आकर, आनंद और मस्ती के साथ सुनना। भारत के अंदर जब लड़कियों की कमी पड़ जाएगी तो कैसी कैसी स्थितियां होने वाली है। मैं कविता शुरू करता हूँ, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ, और कोई बात आप तक पहुँचे तो मुझे तालियों के माध्यम से प्रतिक्रिया पहुँचाना। मेरे बाद बहुत बड़े बड़े कवि हैं, मैं तो सिर्फ इनके लिए मैटिंग बिछाने का काम कर रहा हूँ। जब जब भारत के अंदर लड़कियों की कमी पड़ जाएगी तो कैसे हालात होने वाले हैं, मैं प्रारंभ करता हूँ। आप सोचो तब क्या होगा सीन, आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे नहीं। कविता मैंने लिखी है या आपने? आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे 17। आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक और लड़के होंगे 17। कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा, कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा। लड़की पाने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा, लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा। ये सब ठीक, लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा, तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। आहा नहीं समस्या आगे सुनो आप। आप सोचो तब क्या होगा सीन, जब लड़की होगी एक लड़के होंगे 17। कुल मिलाकर सारा का सारा रोड़ा कुंवारों के गले अटकेगा, लड़की पाने के लिए लड़का बेरोजगारों की तरह दर दर भटकेगा, लड़की नहीं मिलने पर शाम को जाकर ठेके पर गटकेगा, तब शादी निजी नहीं होकर हो जाएगी सरकारी। लड़की पाने के लिए लड़के की होगी तरह तरह से इंक्वायरी, साक्षात लड़की ही लेगी लड़के का साक्षात्कार, वो इंटरव्यू होगा भाइयों इस प्रकार कि टाइम पर खाना खिलाओगे सुबह शाम पिलाओगे, चाय पानी की बात कर रहा हूं भैया, कि टाइम पर खाना खिलाओगे सुबह शाम पिलाओगे, घुमाओगे फिराओगे ऐश कराओगे, और मैं जितना कहूंगी तुम उतने ही इंच मुस्कुराओगे। बढ़िया, जितना मैं कहूंगी उतने इंच मुस्कुराओगे, तब तो तुम हो पति एकदम परफेक्ट, वरना सीधा फॉर्म रिजेक्ट। इतनी वाक्य में ऐसा ही होने वाला, ऐसे ही ख्वाबों ख्वाबों में मुझे भी वो पत्नी रूप में नजर आई। अब मेरी पीड़ा सुनना आप, ऐसे ही ख्वाबों ख्वाबों में मुझे भी वो पत्नी रूप में नजर आई, तो मैंने भी उसके लिए किस्मत दाव पर लगाई, मैंने भी लगाया पूरा जेक और चेक, जैसे तैसे मेरा जोड़ा बन जाए एक। परंतु ऐसी भ्रष्टाचार युक्त शादी से मैं मन ही मन हो रहा था राजी, इतने में किसी ने डबल जेक चेक लगाकर कर दिया फिर मुझे बाबा जी। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। अच्छी लाइन, अच्छी क्या समस्या है जरा सुनो सही। हालांकि फिर भी मैंने इस कंपटीशन को आगे करना चाहा फाइट, तो गूगल पर ढूंढने लगा सेकंड हैंड बीवियों की साइट। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ कैसे तो काम चलाओ। मैंने देखा रे फर्स्ट हैंड नहीं तो सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर हैंड से हैंड मिलाओ कैसे तो काम चलाओ। परंतु यहाँ पर भी मेरी किस्मत चली गई, आवेदन करते ही कॉपी संदे में चली गई, मुझे नोटिस मिला, कारण बताओ, पहले वाली बीवी तो जमा कराओ।
मुझे नोटिस मिला, कारण बताओ, पहले वाली बीवी तो जमा कराओ। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई, मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई। मैंने कहा, अरे भाई साहब, मेरे पहले वाली बीवी तो मेरी सारी किस्मत मोड़ गई, मुझे लूटकर विजय माल्या की तरह देश ही छोड़ गई, इसीलिए शादी करना चाहता हूँ दोबारा। कोई उम्मीद हो तो बायोडाटा इस प्रकार है हमारा। नाम सूरत अजनबी, निवासी मालपुरा, कद 5 फुट 6 इंच, रंग है भूरा और इखेरा बदन, मैरिज गार्डन के पास में ये मेरा सदन। मैरिज गार्डन के पास में ये मेरा सदन, जो भी ये शादी करवाएगा मेरे लिए तो वो भगवान ही कहलाएगा। जो भी ये शादी करवाएगा मेरे लिए तो वो भगवान ही कहलाएगा। तो हे मुझे देखने सुनने वाले भगवानों, अपने भीतर का भगवान जगाओ। बेटियां तो बहुत बचा रहे हो आप, इस एक बेटे को भी बचाओ, इस एक बेटे को बचाओ। थैंक यू सो मच।